दोस्तों यहाँ का प्लास्टर हमने निकाल दिया है। अभी हम स्लैब के टाइम में छत का सेटिंग जब करेंगे, छत का बीम जब बांधेंगे, ये कॉलम है, ये देखिए ये कॉलम का सरिया है, ये कॉलम सीधा जाएगा ऊपर, एक ये तो बीम आएगा ही, लेकिन ये दीवार भी, ये दीवार भी यही मकान मालिक का है, इसलिए 9 इंच का दीवार है ये, आधा इंच आधा दीवार तो इसका हद में है, वो आधा दीवार जो है हम उसको घिस्सी मार के उसमें फिर मजबूती के लिए और सरिया वहाँ तक जाएगा, मतलब जो भी जाएगा 3-4 इंच वैसा हमारा सरिया उसमें और जाएगा, और ये बीम भी रहेगा कॉलमों के ऊपर। जगह जगह पे ये पुराने जो प्लास्टर है उसमें ऐसे क्रैक भी गए थे, और ये जो ऊपर का छत हमने तोड़ा है ब्रेकर मशीन से वाइब्रेट होके, इसमें ज़्यादा ये प्लास्टर ढीला हो गया अभी, इसलिए ये जहाँ पर भी ब्रेकर मशीन चलाया है उसी जगह पर ऐसे निशान पड़ गए हैं। टॉयलेट बाथरूम की दीवार हो या किचन, ये छज्जा था और सामने दिख रहा है वो स्लैब तोड़ा है, तो वो थोड़ा बाहर आ गया है, उसको तो ब्रेकर मशीन से ही तोड़ना पड़ेगा। अभी हम छिन्नी हथौड़ा से ये प्लास्टर निकाल रहे हैं, बाद में और ज़्यादा तकलीफ देता है छत ढलाई करने के बाद। ये प्लास्टर बाद में भी निकाल सकते थे, लेकिन जब छत का ढलाई हो जाता है तो पूरा पैक हो जाता है अंदर, कोई भी आदमी काम करता है तो बहुत गर्मी लगती है, इसलिए ये काम हम पहले करवा ले रहे हैं। मिस्त्री इसका हाइट कितना उठा है पहले से? 2.5 फुट। हाँ ठीक है, 2.5 फुट बराबर है। ये मकान का वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ दोस्तों अपने चैनल पर। रोड ऊंचा हो गया था और प्लिंथ की लेवल नीचे आ गई थी। मकान मालिक को अभी 2 स्लैब ऊपर ले जाने का है इसको, इसीलिए इसको तोड़ना ही पड़ा। इसके लिए ये मकान तोड़ा है, मकान भी मजबूत था काफ़ी, तो ये देखिए प्लिन अभी 2.5 फुट उठाया है, और PCC करने के बाद 2 दिन में ये मिस्त्री ने पूरा जुड़ाई काम भी कर दिया है। आज 3रा दिन है दीवार का ये प्लास्टर निकाल रहे हैं। तो आइए अब वीडियो में, आज हमारा भी काम यही चालू है, ये कॉलम बांध रहे हम, 8 कॉलम है, 12 फुट बाय 35 फुट का ये मकान है। आज की वीडियो लंबी ज़रूर है दोस्तों, लेकिन हम बहुत कुछ समझाने वाले हैं आज की वीडियो में, अपने पैसों की बचत कैसे करें और जगह भी कैसे अपनी बचाए। अभी प्लास्टर निकाल रहे तुम, ये ब्रेकर से तोड़ेंगे क्या? ब्रेकर से तोड़ेंगे, और ये जो दीवार वाला है वो छिनिया तोड़ा दे, छिनिया तोड़ा, मतलब ये प्लास्टर निकाल के नया प्लास्टर, नया फिर वो पूरा मकान ही नया बन जाएगा। ये दीवार पार्टनर का है, हाँ दीवार लेने का जरूरत नहीं, दीवार यही रहेगा, मतलब वो कॉलम के बाजू में कॉलम है जस्ट, और यही कॉलम के ऊपर पिन भी जाएगा ना। ये मकान अभी 2 माला और बनने वाला है दोस्तों ऊपर, इसीलिए बाद में कोई परेशानी ना होए तोड़ डाला है। और हमने दूसरे 8 कॉलम नए खड़े कर दिए हैं, उसी के ऊपर भी बीम आएगा, बीम का छत का लोड आएगा बीम के ऊपर, और जो पुरानी दीवार है उस पर भी आएगा। ये देखिए ये दूसरा नंबर कॉलम है, ये 3रा नंबर एक लाइन में, ये 4 नंबर आखिरी वाला, वैसे ही 4 कॉलम दूसरी बाजू भी लिए है, उतना ही माप रखे है, जितना ये कॉलम का माप है उतना ही इधर वाले साइड में जो कॉलम है उसका भी माप वही है। हाँ 2 दिन में दोस्तों, ये मिस्त्री के पास में मोबाइल में गाना बज रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया है। मैं काम के बारे में मिस्त्री से पूछ रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेन पॉइंट पे आते हैं दोस्तों,
इसमें रीजन ये है, अभी जो ये सामने बीम दिख रहा है वो पुराने स्लैब का है, वो स्लैब की हाइट है, लेकिन इसके ऊपर अपना स्लैब और जाने वाला है, 2.5 फुट इसी के ऊपर और जाने वाला है, तो वहाँ पर बीम कैसे डाल सकते हैं, कॉलम कैसे लेने के, वो पार्टनर का दीवार है तो बाजू वाला ऐसे करने नहीं देगा, तो इसके लिए हमने अपने अलग से कॉलम खड़े किए हैं दोनों साइड, तो वो कॉलम के ऊपर बीम रहेगा और उसमें ईंट का बचत हो जाता है, प्लास्टर भी नया हो जाएगा, ईंट का बचत ऐसे हो जाता है, दीवार वही यूज करेंगे प्लास्टर करके, और जगह भी बच जाती है, ये साइड में 4.5 इंच, दूसरी साइड में 4.5 इंच, 10 इंच जगह बच जाती है, मतलब प्लास्टर होके वो 5 इंच हो जाता है, तो 10 इंच जगह भी बच जाती है और ईंट भी बच जाती है। आज की कंडीशन में हर शहर में, हर गांव में, गांव में तो कम है लेकिन हर शहर में कहीं पे ना कहीं पे ऐसे काम आपके नज़र में आएंगे ही, हर तरफ ऐसे ही काम चालू है जगह जगह पर, जो पुराने मकान थे उसको तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि दिन पर दिन रोड ऊंचा होते ही जाता है और जो प्लिन का पुराना लेवल रहता है वो नीचे हो जाता है, इसके कारण ये करना पड़ता ही है। तो कोई कोई लोग क्या करते हैं, पूरा मकान गिरा देते हैं, पूरा घर गिरा देते हैं। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, ये बाजू में जो है पार्टनर का दीवार है, तो उनके पास जब पैसा आएगा तो वो भी बनाएगा, अभी तो इनको बनाना है लेकिन वो उनकी दीवार तोड़ नहीं सकते, उनके बीम पर वो स्लैब डाल नहीं सकते क्योंकि वो बीम जो है नीचे है, इनको बनाना है ऊपर, और इनका छत जो है पहले से ऊपर जाने वाला है 2.5 फुट, इसके लिए ये दिख रहा है वो PCC किया हुआ है नीचे, दोस्तों अगर आपका भी मकान का काम चालू है या तो फिर आपका भी मकान नीचे हो गया हो या रोड की लेवल में आ गया हो, तो ऐसे पार्टनर की दीवार आपकी भी है तो इसके लिए आप भी या तो कोई आर्किटेक्ट से कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो फिर कोई अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क कीजिए, उसका सलाह ले, क्योंकि दोस्तों मकान बनता है तो एक ही बार बनता है, और मैं तो हर वीडियो में कहते आ रहा हूँ, ऐसे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्लिन का जब काम चालू है तो आपको प्लिन लेवल और रोड का लेवल इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है मकान मालिक को। Yeah.
फंस गया, थोड़ा फंस गया, सीढ़ी भी भाग गया। पुराना पुराना पार्टी में लाभ हमें होगा ना, वो निकाल ले। पूरे वो चार टॉल डालेंगे मैं, चलो वो जाइए। दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको ये समझाया है, छत का जो लोड है बीम और कॉलम के ऊपर रहता है, तो हमने कैसे यहाँ पर मकान मालिक की ईंट बचाई है और जगह भी उनकी काफ़ी अच्छी बच जाती है, दोनों साइड में 5-5 इंच जगह बच जाती है और स्लैब भी मजबूत हो जाएगा पहले के जैसा, क्योंकि 4 इंच पुरानी दीवार के ऊपर भी जाएगा सरिया। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।